हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ट्यूबलेस टायर में जब बड़ा होल हो जाए, पंचर हो जाए, तो आप उसे कैसे ठीक करें। तो आइए हम आपको आज दिखाते हैं इस वीडियो के ज़रिए से कि जब पंचर बड़ा हो जाए ट्यूबलेस टायर में तो कैसे हम इसे बनाएं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये पंचर बहुत बड़ा है, जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसमें स्ट्रिप बिल्कुल काम नहीं किया, तो इसे हम गर्म करके इस ये पंचर को हम बनाएंगे। तो चलिए हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। तो हमने देखा कि हमने इसे बफ कर लिया है, एयर ग्राइंडर से इसे हम बफ कर रहे हैं। अभी जो ये भी हम बफ कर रहे हैं वो एयर ग्राइंडर है। बहुत आसान है, आप सब कर सकते हैं। जैसे आप ट्यूब को पकाते हैं इसी तरह हम इस टायर को पकाएंगे। वही काला सोल्यूशन है, वही क्वेश्चन से पकाएंगे, जिस पर हम गर्म पंचर जो बनाते हैं जिस ट्यूब प्लेट पे, उसी पे इसको हम बनाएंगे। तब देख सकते हैं कि इसमें सोल्यूशन लग चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे क्वेश्चन, फिर हम हीटर पे इसको बांधेंगे और ये चलता भी खूब है। हमने बहुत बनाकर ये चलाया भी है। तो हमने सोचा कि चलिए आज हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस टायर में अभी हाफ गोटी और बचा हुआ है। तो ये टायर कैसे पूरी चल जाए, इस वजह से हमने कस्टमर का ये टायर बना रहे हैं। तो इसके लिए जो एक लोहा आता है उसे गर्म करना पड़ेगा स्टोव के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर से हमें गर्म देना होगा। नीचे से तो हीटर रहेगा, लेकिन ऊपर से ये गर्म लोहा को देना पड़ेगा। तो आप देखते जाइए वीडियो को, पूरी वीडियो देखें। अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब क्वेश्चन इसमें अब लग चुका है। अभी इसे हम अब हीटर पे लगाएंगे। जैसे हम गरम पंचर बनाते हैं ट्यूब का, इसी तरह हम इस टायर को भी गरम पंचर की तरह बनाएंगे। आप यूँ समझे कि ये टायर भी पंचर हो चुका है, जैसे ट्यूब वैसा ही ये टायर को आप समझें। और जो ट्यूब में हम जिस तरह हम ट्यूब को पकाते हैं, बस उसी तरह इसे भी पकाना है। तो आप देख सकते हैं ये लोहा जो गुटका है वो गर्म हो चुका है स्टोव पे, गैस पे। और ये हीटर है इलेक्ट्रिक वाला, ये नीचे से हीट देगा और जो लोहा हम गर्म किए वो ऊपर से रख कर इसको हम टाइट कर देंगे कि अंदर नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से फुल इसे हीट पहुँचे। तो नीचे पेपर रख दे, क्योंकि पेपर से वो जलेगा नहीं, और फुल टाइट कर दे। अगर ज़्यादा गर्म है तो इस पर हल्का पानी मार दे। और 10 मिनट बस इसे हम हीट देंगे। और 10 मिनट जब हो जाए तो इसे हम खोल दें। अगर ये कागज़ ब्राउन कलर का हो चुका है तो ये समझे कि ट्यूब पक चुका है। बस 10 मिनट का वेट करें, लगभग ये हो चुका है। अब इसे हम खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कागज़ जो है वो बिल्कुल ब्राउन कलर का हो चुका है, ये अच्छा से पक चुका है। इसे फिर भी हम नाखून से खुरच कर देखेंगे, बराबर नहीं आ रहा है। तो ये टायर बिल्कुल बन चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर ऐसा वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।